अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, काफी अच्छे होंगे। ये वीडियो तमाम उन बहनों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, जो ये कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड वैसा है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। एक बहन के साथ क्या हुआ है, उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कश्मीर के बहुत सारी बहन भाई इस चैनल पर वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों का कश्मीरी ब्रदर हूं और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चले जी, पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। जी, एक बार कर लिया गया था और पहले एक लड़के ने दोस्ती की, उसको दाता दरबार बुलाया और वहां से उसको वर्गला कर आगे भेज दिया और इसको सिंध ले गए। बताओ कहां से आपको लेके गए और किसने आपके साथ ये जुल्म किया था? दरबार से लेके चले गए, इधर से घर से फोन किया उन्होंने, लड़के ने मुझे कह रहा आओ इधर दरबार में आओ, मैं दरबार में चलेगी। उसने बरगलाया लड़के ने आपको? हाँ जी, मुझे धमकी दे रहा था, तेरे घर में तुझे ले जाऊंगा वापस। फिर उधर चले गए मुझे दरबार में लेके, फिर लिताफ को तो नदीम को तो इरम को दे दिया इन तीनों ने मुझे, उधर दे के मुझे बेच दिया। जब बुलाया तो उन्होंने कहा आपको वहाँ बुलाया? मुझे कह रहे थे कमरे में चल, मैंने कहा मैं कमरे में नहीं चलूंगी ऐसे, मैंने कहा मैं ये काम जाती नहीं काम करती, मैं गलत काम नहीं करती। फिर उन्होंने मुझे आगे रश्के में बिठा के ना छोटी गली में ले गए, मुझे आगे बेच दिया उन्होंने। तीन एक लड़की थी, दो लड़के थे, नदीम था, दिलताफ था, तो इरम थी, इन तीनों ने मुझे बेच दिया आगे। तो मुझे ले गए उधर लारी अड्डे में ले गए। फिर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली, कुंडी लगा के आधे घंटे बाद पहले नदीम ने गलत काम किया, फिर लताफ ने गलत मेरे साथ जाती की थी गलत काम किया, तो फिर कपड़े पार के उन्होंने दोनों ने गलत काम किया। फिर आधे घंटे बाद खैर मोहम्मद आ गया, उसने मेरे कपड़े पार के गलत काम मेरे साथ जाती की, उसने गलत काम मेरे साथ किया। फिर आगे से आई लतीफा बीबी, उसने मुझे मारा, इतना मारा डंडे में मार के, उस मुझे कपड़े दिए मैंने पाए, उसने कहा तुझे 2 लाख में बेच गए हैं वो लड़के, बेच गए। हाँ जी, तुझे 2 लाख में बेच गए और लड़के, तो हूँ तू तेरी शादी कराएंगे, तू इधर रही। और फिर लड़कों को मंगाती थी मेरे साथ जाती कराती थी, रोज कभी 10 बंदे मंगाती, कभी 6-4 बंदे। तो चले जी, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं अपनी बहनों से कहूं कि होशियार रहे, खबरदार रहे, क्योंकि आजकल के लोग दिखाते शहद हैं और पिलाते जहर है। तो चले जी, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।